हेलो स्टूडेंट्स, चिल्ड्रंस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे मॉरल इज देयर इज नो कॉस्मेटिक ब्यूटी, देयर इज नो कॉस्मेटिक ब्यूटी लाइक हैप्पीनेस। इट मीन्स ब्यूटी के जैसा कोई भी कॉस्मेटिक, हैप्पीनेस की ब्यूटी के जैसा कोई भी कॉस्मेटिक नहीं है। And we had completed exercise 3.1. Now we are going forward to exercise 3.2. So today we will discuss about the questions of exercise 3.2. In this exercise, lots of questions have students, and this exercise is based on the decimal number. Exercise 3.2 बेस्ड किस पे है बच्चों? डेसिमल नंबर पे। आप जानते हैं डेसिमल नंबर को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है और डेसिमल नंबर कहाँ से आता है, ठीक है? तो डेसिमल नंबर बच्चों ये डेसिमा शब्द से मिलकर बना है, डेसिमा से बना डेसिमल, ठीक है? डेसिमा एक जर्मन वर्ड है, उसी का यूज़ करके क्या बनाया गया? डेसिमल बनाया गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अरेंज द, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है? किस ऑर्डर में इनको डिनोट करना है? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स सबसे पहले कौन सा नंबर लिखेंगे, छोटा या बड़ा? सबसे छोटा, ठीक है? तो इसमें से मैं आपको दो बता देती हूँ, बाकी आपको आता होगा। ये देखो आपका सॉल्यूशन वन, देखो सॉल्यूशन नंबर वन में एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो आपका क्वेश्चन क्या है बच्चों? योर क्वेश्चन इज 1.36, 1.29, 1.48, 1.26, 1.38। नाउ यू हैव टू राइट द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ दिस। सो व्हाट विल यू राइट? नाउ यू विल राइट द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ दीज नंबर्स इक्वल्स टू। सबसे पहले इसमें कौन सा आएगा जो सबसे छोटा है? बच्चों इसमें सबसे छोटा नंबर देखो ये 1.36 है, पॉइंट के बाद क्या देख रहे हो? 36 ना। अब देखो यहाँ पे 48 लिखा है, पॉइंट के बाद 48, तो ये बड़ा है 29 से। 26, अब इसको कंपेयर करो और इसको कंपेयर करो, तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन हो जाएगा? 1.26 हो जाएगा, ठीक है? अच्छा आपको पता है 1.26 स्मॉलेस्ट क्यों है? क्योंकि जब हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, ये जब ड्रॉ करते हैं नंबर लाइन, यहाँ पे 0 होता है और यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे जब 2 आता है तो 1.26 पहले आता है, 29 बाद में आएगा, फिर 36 आएगा, फिर 38 आएगा, फिर 48 आएगा, और जो बाद में नंबर आता है वो क्या होता है? बड़ा, वो बड़ा होता है, इसीलिए 1.48 क्या है? बड़ा है। तो इनमें सबसे छोटा क्या हो जाएगा बच्चों? आप देख रहे हैं इनमें सबसे छोटा हो जाएगा 1.26। आप लिखेंगे 1.26 कॉमा असेंडिंग ऑर्डर ऑफ दिस नंबर इक्वल्स टू 1.26 कॉमा नेक्स्ट नंबर होगा 1.29 कॉमा 1.36 कॉमा 1.38 कॉमा 1.48। देखो कितने नंबर हो गए, 1, 2, 3, 4, 5। क्वेश्चन से मैच कर लो, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर ऊपर थे क्वेश्चन में और 5 डिजिट्स आपका आंसर में है, कोई भी नंबर मिस नहीं है, यानी आपका ये क्या हो गया? सॉल्यूशन नंबर वन, ठीक है? तो ये क्या हो गया? असेंडिंग ऑर्डर। अब देखो पहले 26 आ रहा है, फिर 29 आ रहा है पॉइंट के बाद, फिर 36 आ रहा है, फिर 38 आ रहा है, और लास्ट में 1.48। इन सभी नंबरों में सबसे बड़ा नंबर है, यानी सबसे पहले सबसे छोटा और लास्ट में सबसे बड़ा आ गया, ठीक है? अब देखो जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या गिवन है आपको? इसमें ये आपको गिवन है 1.1001, और पॉइंट के बाद सभी नंबरों को बेटा सिंगल सिंगल पढ़ा जाता है, यानी 1.0011, फिर 1.1111 था, और 1.0101
नेक्स्ट इज 1.1011। ये आप देख लो बच्चों, इसमें हो सकता है आपको थोड़ा सा क्या हो, डाउट हो। तो देखो आप क्या देखेंगे कि इसमें सबसे पहले कौन सा आ रहा है, जो इसमें सबसे पहले आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसके लिए आपका सबसे पहले कौन सा नंबर आ रहा है बच्चों, इसमें देखो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा। सभी तो पहले हमारे पास सबके पास तो क्या है, वन है। अब पॉइंट के बाद से ही हमें पता चलेगा इसमें सबसे छोटा कौन है। देखो पॉइंट के बाद इसमें क्या है, पॉइंट के बाद 1.1 आ गया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 1.0, तो 1 और 0 में ये छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, यानी कि ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर है, ठीक है, ये बिगर नंबर है। 1.111 इससे भी बड़ा हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ पे 1.01, अब ये देखो ये फर्स्ट नंबर पे था, ये आपका कौन से नंबर पे हो जाएगा, सेकेंड नंबर पे, ठीक है। 1. ये फर्स्ट नंबर पे, ये सेकेंड नंबर पे। अब उसके बाद क्या आ रहा है, 1. आपका 101, ये आपका थर्ड नंबर पे हो जाएगा, और ये आपका सबसे लास्ट जाएगा यानी फिफ्थ नंबर, तो फोर्थ नंबर पे 1.011। अब आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे आप, नाउ यू विल राइट दैट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ दिस नंबर्स इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसमें सबसे पहले कौन आया, 1.0011। नेक्स्ट इज सेकेंड नंबर कौन है, सेकेंड नंबर ये 1.0101। नेक्स्ट कौन सा आएगा, नेक्स्ट आपके पास आएगा 1.1001। अब आपका फोर्थ नंबर आएगा 1.1011, और फिफ्थ नंबर में 1.111। ये तो सबसे बड़ा है, तो ये सबसे लास्ट में आ गया। अब आप चेक कर सकते हैं, देखो ये 00, इसमें 00 था, यानी ये सबसे छोटा हो गया। फिर यहाँ पे 0101, ठीक, यहाँ पे देखो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, दोनों ही छोटे हैं। अब 0 से हमारी जैसे 10th प्लेस पे कौन आ गया, 1 आ गया, तो इन दोनों के रिस्पेक्ट में ये बड़ा हो गया। 10 आ रहा है, 100, 100, 1 के बाद 2 0 है, लेकिन यहाँ 1 के बाद 10 और 1 है, तो इसमें और इसमें बड़ा कौन हो गया, ये हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि 1 के बाद 2 0 2 0 और 1 के बाद 10 101, यहाँ पे आपका 111 है, ये तो सबसे बिगर है ही। तो ये आपका है सोल्यूशन नंबर 1। अब आपको बताते हैं सोल्यूशन नंबर 2। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 आपका ऐड है और 3 सब्ट्रैक्ट, तो ऐड और सब्ट्रैक्ट आपको आता होगा, श्योरली है। बस आपको ध्यान क्या रखना होता है इसमें, हम जब डेसिमल नंबर्स को ऐड करते हैं तो डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। हमें ऐडिंग करते समय बस यही बात ध्यान रखनी होती है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आए, बाकी किसी भी डिजिट्स के नीचे कोई भी डिजिट्स आता है या नहीं आता है हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बस केवल हमारा मकसद होता है कि डेसिमल के नीचे ही डेसिमल हो, जैसे मैं आपको फर्स्ट ऑफ 6th बताने जा रही हूँ, ठीक है, फर्स्ट ऑफ 6th। देखो इसमें क्या, अभी बच्चों आप देखो क्वेश्चन में क्या है, 3.468 प्लस 2.12, ईजी लग रहा होगा ना ये सब, तो आपको प्लस 1.34464 है ना। तो क्या करेंगे, अगर बच्चों मैं ये सब आपको बताती ना, लेकिन आप दूर हैं हमसे, ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो मुझे एक बार बताना पड़ रहा है ताकि जो बच्चों को कंफ्यूजन हो वो भी कर सके इजीली, वरना मुझे पता है सभी बच्चों को ये सब आता होगा, क्योंकि ये सब बेसिक नॉलेज है, सब बच्चों को पता होगी, ठीक है। करना क्या है इसमें, हम लिखेंगे डेसिमल के नीचे डेसिमल ही आना चाहिए, बाकी कोई भी डिजिट के नीचे डिजिट आए अदरवाइज ना आए। पहला क्या है, 3.468 लिख दिया, मैटर क्या है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, तो नेक्स्ट नंबर है 2.12, ठीक है, और नेक्स्ट नंबर क्या है 1.344, 8 के नीचे 4, 8 के नीचे यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है, हमने क्या लिख लिया, 0, ठीक है, जिसके नीचे कोई डिजिट नहीं है हम वहाँ 0 इंक्रीज कर सकते हैं, पता है ना कैसे कर सकते हैं, ठीक है। फिर 3, 4, 4, उसके बाद क्या आ जाएगा लास्ट में 6 और फिर 4, इन सभी को क्या करना है, ऐड करना है, ऐड कर लीजिए आप, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा, 6 के बाद 8 और 4 कितना हो गया, 12, कैरी कितनी गई, 1, 6 और 1, 7,
सेवन और टू नाइन, नाइन फोर थर्टीन, थर्टीन ऑफ थ्री कैरी वन, वन फोर फाइव, फाइव और वन सिक्स, सिक्स और थ्री नाइन। यहाँ पे डेसिमल के नीचे क्या आ गया? डेसिमल, डेसिमल के नीचे डेसिमल बस, और किसी भी डिजिट से मतलब नहीं है। डिजिट्स के नीचे डिजिट आए या ना आए, लेकिन ध्यान रहना चाहिए कि डेसिमल के नीचे डेसिमल हो। थ्री और टू कितना हो जाएगा? फाइव, फाइव और वन सिक्स। तो इसी तरीके से आप क्या कर लेंगे बच्चों? सारे नंबरों को प्रेस कर लेंगे। देखो फर्स्ट वाला बहुत सिंपल है, इसमें क्या है 7.8 और 3.2 आप लिखेंगे ऐसे, प्लस कर लेंगे, है ना। बाकी सबको आप करिएगा बच्चों, कुछ नहीं है, एडिशन आपको मैं पता है पहले से आता है और यू कैन डू इट। ओके, तो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द क्वेश्चन नंबर थ्री। ये है आपका बेटा सॉल्यूशन, सबसे ये है आपका सॉल्यूशन नंबर थ्री, ठीक है। इस पर मैं आपको बताने जा रही हूँ बेटा फिफ्थ नंबर। कौन सा नंबर? फिफ्थ नंबर। इसमें आपके पास क्वेश्चन है 2.0 माइनस 0.9963, ठीक है। आप क्या करेंगे? इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2.0। मैंने क्या बताया था? डेसिमल के नीचे डेसिमल हो, डिजिट के नीचे डिजिट हो या ना हो, कोई मैटर नहीं है। हम लोग क्या लिखेंगे? आप यहाँ पे 0.9963। मैंने क्या बताया अभी? इसको क्या करना है? माइनस करना है, तो माइनस का सिंबल यूज़ कर लो। मैंने अभी बताया था कि जिस डिजिट के पास कोई भी, जैसे हाँ डेसिमल के पास यहाँ पे बाद में कोई भी वैल्यू नहीं है, तो हम वी कैन इंक्रीज है ज़ीरो, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या इंक्रीज कर सकते हैं? ज़ीरो इंक्रीज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद ज़ीरो लगाने की कोई, डेसिमल के बाद ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। डेसिमल के बाद चाहे तो जितना ज़ीरो चाहे उतना ज़ीरो इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। आप देखो ज़ीरो में थ्री तो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ना ही ज़ीरो में सिक्स सब्ट्रैक्ट होगा, ना ही ज़ीरो में नाइन, ना ही ज़ीरो में नाइन। और ये ज़ीरो क्या करेगा बच्चों? इस वाले टू से वन बोरो ले लेगा। यहाँ पे बचेगा क्या? वन। ये कितना हो जाएगा? टेन। टेन इसको बोरो देगा, यहाँ पे हो गया टेन, यहाँ पे नाइन। टेन इसको बोरो देगा, यहाँ पे टेन और यहाँ पे नाइन। ये टेन इसको बोरो देगा, यहाँ पे टेन और यहाँ पे नाइन। नाउ यू विल सब्ट्रैक्ट दिस हेयर, व्हाट विल रिमेन? टेन माइनस थ्री, टेन माइनस थ्री क्या रिमेन होगा? सेवन। नाइन माइनस सिक्स थ्री, नाइन माइनस नाइन ज़ीरो, नाइन माइनस नाइन, जो नाइन माइनस नाइन क्या हो गया? ज़ीरो। यहाँ पे क्या बचा है? वन, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे अब हम? वन। आंसर क्या हो जाएगा आपका? नाउ योर आंसर इज़ 1.0037, ठीक है बेटा। आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग। कैसे चेक करेंगे? चेक करने के लिए आप अपने रिजल्टेंट में जो भी आपका सब्ट्रैंड है उसको क्या करेंगे? उसमें ऐड कर लेंगे। ऐड करके देखेंगे तो आपका जो माइन्यूट है वो आ जाएगा। यहाँ पे देखो 1.0037 में हमें क्या ऐड करना है? 0.9963। ऐड करोगे तो 2 ही आएगा। देखो 7 और 3 10 और 0 कैरी 1, 6 और 3 9, 9 और 1 10, 10 का 0 कैरी 1, 9 और 1 10, 10 का 0 कैरी 1। फिर वो कैरी इसमें प्लस होगी, तो 9 और 1 10, 10 का 0 कैरी 1। डेसिमल के नीचे क्या आएगा? डेसिमल आएगा, और जो 1 कैरी गए थे वो कितना आ गया? 2 आ गया। देखो 1, 1, 2 हो गया। देखो 2 ही आ रहा है ना, आपका माइन्यूट भी कितना है? 2 है। तो आप अपने रिजल्ट को इसी तरीके से चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 के सारे क्वेश्चन करिएगा। अब मैं बताती हूँ फोर्थ नंबर, जो कि क्या है आपका? मल्टीप्लाई। अब आपका बच्चा है सॉल्यूशन नंबर 4। इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू डू मल्टीप्लाई, ठीक है। आप क्या करेंगे? 5.8 × 2.5। तो बेटा आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो और लॉन्ग मल्टीप्लीकेशन मेथड से भी कर सकते हैं। डायरेक्टली कैसे करेंगे? आपको 25 की टेबल लर्न है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, 25 एट जा कितना होता है? 200। 200 का मैंने क्या लिखा? 0। कैरी कितनी गई? 20, ठीक है। अभी 25 फाइव जो कितना होता है? 125 होता है। 25 फाइव जो 125, और आपके पास कैरी कितनी गई थी? 20 गई थी। तो 125 में आप जब 20 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा? 145, ठीक है। अब आपको ये आंसर मिल गया, लेकिन अभी आपको क्या प्लेस करना है? डेसिमल पुट करना है। तो डेसिमल कितने डिजिट के बाद? 1,
और वन कितने डिजिट के बाद, टू डिजिट के बाद ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको लॉन्ग डिविजन मेथड से भी कर सकते हैं, यही सेम आंसर आएगा। ये आपका है फर्स्ट मेथड। कौन सा मेथड है? फर्स्ट मेथड और शॉर्ट मेथड। ये आपका कौन सा मेथड होगा? लॉन्ग मेथड। लॉन्ग मेथड से कैसे करेंगे, देखो 5.8 और 2.5, ठीक है। आप लिखोगे 5 8 40, कैरी 4 5 5 25 और 4 29। नेक्स्ट इज 8 2 16 का 6 कैरी 1 5 2 10 और 1 11। यहाँ पे क्या आया? 0 9 6 15 15 और 5 कैरी 1 2 और 1 3 3 और 1 4, ठीक है। सब ऐड हो गया, यहाँ पे क्या बच रहा है? ओनली 1। तो अब आपको यहाँ पे क्या प्लेस करना है? डेसिमल। कितने डिजिट के बाद है? 1 और 1। कितने डिजिट के बाद आ रहा है डेसिमल? 2 डिजिट के बाद आ रहा है, ठीक है। तो आप इसी तरीके से करिएगा। अब मैं आपको एक लॉन्ग का बता देती हूँ इसमें से। अब बच्चों आपको ये क्या करना है, लॉन्ग डिविजन मेथड से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसमें आप क्या लिखेंगे? 0.3215 इंटू किसे करना है आपको? 2.94 से। तो नाउ यू विल राइट दैट 2.94, ठीक है। 4 5 20 20 ऑफ 0 कैरी 2, 4 1 4, 4 और 2 6, मैंने भी 8, 4 3 12। अभी हमें डेसिमल लगाने की कोई नीड नहीं है। नाउ यू विल पुट अ क्रॉस ऑन द वंस प्लेस। नाउ यू विल मल्टीप्लाई टू द 10th प्लेस। 9 करेंगे मल्टीप्लाई, 9 5 45, 45 ऑफ 5 कैरी 4, 9 1 9, 9 4 कितना हो जाएगा? 13, 13 का 3 कैरी कितनी जाएगी? 1। फिर 9 2 18, 18 और 1, 19 का 9 कैरी 1, 9 3 27 और 1 जो कैरी गई थी वो कितना हो गया? 28। कंप्लीट हो गया। अब आप क्या करेंगे? 2 क्रॉस लगाएंगे। देखो यहाँ पे 2 है, मैं एक साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 15 2 30 और 32 2 64, ठीक है। अब आप क्या करोगे? ऐड करोगे 0, 6 और 5 11, 8 और 3 11, 11 जो कैरी बची थी कितना हो गया? 12, ठीक है। 9 और कैरी 1 10, 10 5 15, 15 का 5 कैरी 1, 8 और 1 9 और जो हमारी कैरी आई है वो कितना हो गया? 10, 10 4 14, 14 का 4 कैरी 1, 6 और 2 8, 8 और 1 9, ठीक है। डेसिमल कितने डिजिट के बाद आएगा? यहाँ से देखो, एक डेसिमल यहाँ पे है, एक डेसिमल यहाँ पे है। 1 2 3 4 5 6, कितने डिजिट बाद? 1 2 3 4 5 6, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 0.945210, ठीक है। तो बच्चों आप उसी तरीके से सारे सॉल्यूशन नंबर 4 करिएगा। मैं आपको सॉल्यूशन नंबर 5 बताती हूँ। देखो अगर बच्चों आपके पास एक ऐसा डिवीजन है, डिवाइड करना है, जिसमें केवल डिवाइडेंड में डेसिमल लगाओ, तो आपके लिए बहुत इजी है, आप कर लेंगे। जैसे आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है 14.5 / 4, तो आप इसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। कैसे आप इसको डिवाइड करेंगे? 4 लिखेंगे यहाँ पे, 14.5 लगाएंगे, 4 3 12 करेंगे, और यहाँ पे 14 में 4 में 2 माइनस होगा तो 2 आएगा, 1 में 1 नथिंग। अब आप लिखोगे 5, डेसिमल आ गया, आप डेसिमल यूज़ करेंगे। 4 6 का कितना होता है? 24। यहाँ पर क्या आएगा? 1 आएगा, डेसिमल लगा इसलिए आप 0 इंक्रीज कर सकते हैं। तो 4 1 4 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 4 2 8, सॉरी बच्चों ये हो जाएगा 4 2 8, और 10 में 8 माइनस करोगे यहाँ पे तब 2 आएगा, ठीक है। 2 हो जाएगा, फिर हम लोग 0 इंक्रीज करेंगे, और 4 5 20, तो आंसर आपका आ गया, यानी कि आंसर इज 3.625। तो ये तो इजी है, मतलब आपके पास एक ही डेसिमल रहेगा, आप इस तरीके से कर लेंगे। लेकिन जब डिवाइडेंड में भी डेसिमल हो और डिवीजर में भी डेसिमल हो, तो आप कैसे करोगे? इधर देखो, जैसे देखो ये आपका फर्स्ट नंबर था, अब मैं बताती हूँ थर्ड नंबर, 14.5 / 2.9। तो हम लोग क्या करेंगे? डिवीजर के डेसिमल को हटा देंगे। कैसे? ऐसे 14.9/2.9 × 10, ठीक है। तो देखो ये तो बहुत ही सिंपली हो गया। देखो ये तो हमें इसमें तो हटाने की ज़रूरत ही नहीं थी, इनटू करने की ज़रूरत ही नहीं थी। डेसिमल वंस प्लेस पे ऊपर भी और नीचे भी सीधे सीधे कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा, और ये आपका 9 5 ज़ा, यानी 29 5 ज़ा बाद में पूरा कैंसिल हो जाएगा, 29 5 ज़ा 145 होता है, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल था बच्चों, वंस प्लेस पे डेसिमल, वंस प्लेस पे डेसिमल, ख़त्म हो गया काम।
फोर्थ नंबर देखो, जैसे जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ इधर देखो 19.68, इसमें भी नहीं है। फिफ्थ नंबर में है बच्चों आपका, इसमें सॉल्यूशन मिलने वाला है फिफ्थ नंबर में। बाकी बच्चों फोर्थ नंबर में भी देखो, टू प्लेस पे नीचे इसमें भी डेसिमल, टू प्लेस पे इसमें भी डेसिमल, तो ये दोनों डेसिमल हट जाएंगे। आपको 615 को केवल 1968 से डिवाइड करना है, डेसिमल दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों सेम प्लेस पे हैं। देखो फिफ्थ नंबर में क्या है, 2.028/3.12, इसको हटाने के लिए 100 से इंटू करेंगे, ठीक है। जब 100 से इंटू करेंगे तो नीचे का तो हट जाएगा, यानी 312 हो जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा 202.8। अब आप क्या करेंगे, 312 को 202.8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अब आप डिवाइड करेंगे, आप देखेंगे बच्चों इसमें 3 डिजिट हैं, और यहाँ का 3 डिजिट 202 है, इससे छोटा है, यानी कि हमें 4 डिजिट को लेकर डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहले क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। तो जाएंगे कितनी बार, 6 टाइम में, और 6 12 से कितना होता है 72, और 6 3 18 ये आ गया। अब आप माइनस करेंगे, 8 में 2 माइनस करेंगे कितना आएगा 6, ये आपका ये जो 2 है इससे बोरो लेगा तो जाएगा 12 में 7 माइनस होगा 5 आएगा, 9 में 8 माइनस होगा 1, और यहाँ पे नथिंग, डेसिमल है, आप जीरो इंक्रीज कर सकते हैं। आपको पता चल रहा होगा अब हमें कितने टाइम्स जाना चाहिए, 12 5 60, 3 5 50, 5 टाइम्स में, यानी कि अब आपका आ गया 1560। तो आंसर क्या हो गया, 0.65, ठीक है बच्चों। जब दोनों जगह डेसिमल रहेगा और प्लेस वैल्यू सेम ना हो, मतलब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ टेंथ पे था, यहाँ थाउजेंड्स पे था, तो आप क्या करेंगे, डिवीजर का डेसिमल हटा देंगे, हटाने के बाद डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको 1 2 3 4 5 आपको ये करना है। और एक बात बच्चों, आपको कुछ और भी करना है फेयर कॉपी में, नहीं तो आप रफ में करते रहिएगा। क्या करना है आपको, और सिंप्लीफाई, ये सिंप्लीफाई भी आपके लिए होमवर्क है। आपको आता है तो वेल डेड, नहीं आता है तो मैं बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में, बाकी आप ट्राई कीजिएगा। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ गुड डे।